हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 7 है 8th क्लास का सिविक्स के अंदर, और इस लेसन का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो इससे पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर को हाफ रीड कर लिया था, आदिवासी एंड डेवलपमेंट। तो आदिवासियों के बारे में ये बताया जा रहा है कि हमने अभी तक ये अपने हिस्ट्री की बुक के अंदर भी ये देखा था, वो फॉरेस्ट के बिना या फॉरेस्ट किस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए थे किसी भी सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो मोस्टली जो संसाधन जितने भी जो रिसोर्सेज है वो हमें जंगलों से ही मिलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखा कि जो मोस्टली जो मेटल्स ओर्स के बारे में देखा, जैसे कि आयरन के बारे में, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, डायमंड्स, कोल्स, और इसी तरह से अगर हम देखें कि जो मेडिकल हर्ब्स हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट हैं, जैसे कि वैक्स हो गया यानी कि मोम हो गया, या लाख हो गया, या हनी यानी शहद हो गया, ये सभी हमें जंगलों से मिले हैं। यहाँ तक कि जो एनिमल्स खुद भी एक इम्पोर्टेंट रहे हैं किसी साम्राज्य या राजाओं के लिए, जैसे एलिफेंट या हॉर्सेज हो गया, उनका मोस्टली लोग यूज करते थे, और ये मोस्टली कहाँ से मिलते थे, हमें फॉरेस्ट से या जंगलों से मिलते थे। अब ये बात बताई जा रही है 19वीं सदी के तरफ या 19th सेंचुरी के आसपास हमारा जो देश था मोस्टली जंगलों से भरा हुआ था यानी कि घिरा हुआ था। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो आदिवासी जो लोग थे उनका 19th सेंचुरी जो मिडिल 19th सेंचुरी तक उनका पूरे जंगल पर कंट्रोल माना जाता है और उनको जंगलों की पूरी नॉलेज थी। इसका मतलब ये है कि जो आदिवासी लोग थे वे अपने आप में स्वतंत्र थे, उनके ऊपर किसी तरह का कंट्रोल नहीं था, और जब बल्कि वे जो किसी साम्राज्य के लिए जो फॉरेस्ट में जितने भी रिसोर्सेज है उनको प्रोवाइड करते थे राजाओं को। और इस तरह से यहाँ पर अब ये भी बात बताई जा रही है कि आज जो वर्तमान में हम आदिवासियों को एक पावरलेस कम्युनिटीज़ के रूप में मानते हैं या जिनको उनके क्षेत्रों से निकाल दिया गया है इस रूप में मानते हैं, मगर जब कॉलोनियल रूल था उस समय भी हम देखते हैं कि ये तरह तरह की एक्टिविटी के द्वारा अपना कार्य करते थे, जैसे कि जो शिकार करके या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको स्थानांतरी कृषि कहा जाता है, या एक ही जगह पर रहकर कृषि करते थे। और मगर 200 वर्ष के से पहले की बात करें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक चेंज के कारण या पॉलिटिकल जो पॉलिसीज बनाई गई थी, ठीक है, या पॉलिटिकल प्रेशर के कारण कि उनको इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट होगी चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होगी, तो उन्होंने इन आदिवासियों को इनके जंगलों से निकलने पर विवश किया, और इसके कारण आदिवासियों को एक वर्कर के रूप में कार्य करना पड़ा। कभी कभी उनको प्लांटेशन में काम करना पड़ा, कभी कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें, ठीक है, और कई कभी इंडस्ट्रीज में, और कभी कभी जो घरेलू जो नौकर के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मोस्टली जो फॉरेस्ट थे वो क्यों काटे गए थे या क्यों वहाँ के पेड़ों को काटा गया था, तो कुछ लोग तो वहाँ से जो महत्वपूर्ण लकड़ियों को लेना चाहते थे या टिम्बर्स को लेना चाहते थे, या एग्रीकल्चर पर्पज़ से या इंडस्ट्रीज के पर्पज़ से उन्होंने कई जंगलों को काट दिया था। और फिर इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कहीं के पर माइनिंग प्रोजेक्ट लगाए गए थे या डैम वगैरह बनाए गए थे, तो उसके कारण भी कई आदिवासियों को उनके क्षेत्रों से बेदखल कर दिया गया था। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे कि हम उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखें कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के जो 79% जो आदिवासी थे उनको निकाल दिया गया था उनके क्षेत्रों से। आज वर्तमान में देखें तो 104 नेशनल पार्क है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और अब देखे यहाँ पर ये बता रहे कि 543 यानी कि 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, और इन क्षेत्रों से भी आदिवासियों को निकाल दिया गया है। और अगर वे किसी न किसी तरह से अपने जंगलों में जाना चाहते हैं तो उनको यहाँ को एक घुसपैठिए के नज़र से भी देखा जाता है।
फिर हम आगे देखते हैं कि जब इनके इनसे इनकी लैंड ली गई थी या इनसे जो उनका क्षेत्र ले लिया गया था तो उससे क्या प्रभाव पड़ा था आदिवासियों के जितने भी जो जीवन आजीविका का साधन था या लाइवलीहुड था या खाने की जो व्यवस्था थी वो सारी सारी इनसे निकाल ली गई थी। और जैसे जिस तरह से ये अपना ट्रेडिशनल वे से परंपरागत तरीके से जीवन यापन कर रहे थे वो भी इनका छूट गया था और इनको शहरों में जाकर छोटा मोटा कार्य करना पड़ा और सबसे कम ठीक है वेरी लो वेजेस यानी कि सबसे कम मजदूरी में इनको छोटे मोटे कार्य स्थलों पर कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा था, जैसे बिल्डिंग्स बनाने के लिए या जो लोकल फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, तो इस तरह से उनको मजबूर किया गया था। और यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि अगर मान लो गाँव ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या रूरल एरिया की बात करें तो 45% जो ट्राइबल्स थे जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते थे, और शहरों में बात करें तो शहरों के अंदर 35% ऐसे लोग थे जो कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले आदिवासी लोग थे। और इनके जो बच्चे हैं वो मोस्टली कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उनको अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं और उनको बड़ी ही बेरोजगारी के अंदर या गरीबी के कारण गरीबी के अंदर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। आज भी यही स्थिति है। और ये बताया गया है कि यह अगर मान लो किसी व्यक्ति को किसी स्थान से एक बार निकाल दिया जाता है तो उसके साथ में उसकी जो लैंड तो जाती है, साथ के साथ में उसके जो इनकम का सोर्स होता है वो भी ख़त्म हो ही जाता है। पर दे रखा है कि प्रोसेस जब किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र से निकाला जाता है वो पेनफुल और वायलेंट के रूप में देखा जाता है कि काफ़ी लोग मारे जाते हैं इसके अंदर। अब हम बात कर रहे हैं मिनोरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी कि मिनोरिटी माने जिसकी संख्या कम होती है, जिन लोगों की संख्या कम होती है उनको मिनोरिटी ग्रुप में रखा जाता है। अब हमारा जो संविधान है वो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के द्वारा हम भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर जिन लोगों की संख्या कम है उनको हम सुरक्षा प्रदान करते हैं या सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो मिनोरिटी ग्रुप को जो सेफगार्ड की क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, ये क्योंकि जो मिनोरिटी ग्रुप होते हैं एक तो वो संख्या में कम होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वे से अगर देखा जाए तो उनकी संख्या कम होती है। फिर हमारा संविधान ये भी मानता है कि अगर मेजॉरिटी ग्रुप का एक समाज पर सबसे ज़्यादा रुतबा होता है या उनका कंट्रोल माना जाता है तो वह जो जिनकी लोगों की संख्या कम है उनके ऊपर भी अपना जो है प्रभाव बनाने का प्रयास करता है, और इस तरह से कई बार उनके साथ में भेदभाव भी हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है और उनके वो संसाधन नहीं मिल पाते हैं जो कि बाकी सब कम्युनिटीज़ को मिल रहे हैं। तो इस तरह के जो अनफेयरनेस को दूर करने के लिए हमारे संविधान इस समानता और जस्टिस को लागू करने के लिए इन समुदाय के लोगों को अपनी तरफ से सुविधा प्रदान करता है। और हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वह कोर्ट में जा सकता है और अपने अधिकारों के लिए बात कर सकता है। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये लेसन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।